ग्लैंड्स के बाद नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है पेनक्रियास। पेनक्रियास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बताओ कि आप लोग पेनक्रियास के बारे में क्या जानते हो, जल्दी बताओ। कोई भी कुछ नहीं जानता। पिंक कलर ग्लैंड, लीफ शेप। गुड, वेरी गुड। एंजाइम्स। कौन आंसर दे रहा है? इट सीक्रेट्स सीक्रेट एंजाइम्स। एंजाइम्स, व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम्स? एंडोक्राइन ग्लैंड। गुड, वेरी गुड। चलो तो देखो, आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ कैरेक्टर्स अच्छे बता दिए हैं उसमें से, जो आपको सब लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट तो सबसे पहले मैंने पूछा कि सबसे पहले जिसने आंसर दिया था उसने कलर भी बताया था, ठीक है, लीफ शेप भी बताया था उसको। किसने बताया था बेटा, अपना नाम बताओ। युक्ति। युक्ति, वेरी गुड बेटा। तो पैनक्रियास रेडिश पिंकिश कलर का, लीफ लाइक, लीफ शेप लाइक ग्लैंड। सो रेडिश पिंकिश इन कलर और जो नॉन वेजिटेरियन लोग अगर किसी दूसरे एनिमल का पेनक्रियास खाते हैं तो उनको स्वीट इन टेस्ट लगता है, देयरफॉर इसको स्वीट ब्रेड Which part or organ of alimentary canal, digestive system, not alimentary canal, क्योंकि alimentary canal का part ही नहीं है, alimentary canal के बाहर का है। तो which part of digestive system or which organ of digestive system is called as sweet bread? कभी कभार simply ऐसा question पूछ लेता है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए, okay? या फिर आप उसको जो आपने पढ़ा है उसके basis पर observe करते आना चाहिए कि ऐसा क्या है, वहां पर क्या बोल सकते हैं अगर ऐसा कुछ टर्म है तो, ठीक है। तो ये कोई ऐसा नहीं बोल सकते आप, ये सिलेबस के बाहर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व करते आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए। मैं क्लास में ऐसी सारी चीजें बता दिया करूंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि आपको भी आपका ब्रेन यूज करते जाना है पढ़ाई करते समय, ओके। तो स्वीट ब्रेन, तो स्वीट इन टेस्ट लगता है और वहां पर वो ब्रेड लाइक जो है वो फ्लफी है, सॉफ्ट है, स्पॉन्जी टाइप है, देयरफॉर स्वीट ब्रेड। नेक्स्ट हमने कहा था ग्लैंड है, ओके, तो ग्लैंड, कोई ग्लैंड एंडोक्राइन होती है, कोई ग्लैंड एक्सोक्राइन होती है, बट ये जो पेनक्रियास है इसका, पेनक्रियास का, पेनक्रियास मिक्स ग्लैंड है। पार्ट ऑफ इट परफॉर्म्स लाइक एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड अनदर पार्ट ऑफ इट एग्जिबिट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों टाइप के वहां पर ग्लैंडुलर पार्ट है। पेनक्रियास इज अ मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड। मिक्स क्यों? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं,
फर्स्ट हम यहाँ पर ड्रॉ भी करते जाते हैं. ये डक्ट बना दी हमने, जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा उसमें डक्ट होगी, एंडोक्राइन पार्ट डक्टलेस होता है. हमने ये बना दिया यहाँ पर पेंक्रियास. पेंक्रियास का जो अबाउट 99% पार्ट है, केवल छोटा सा पार्ट हम यहाँ पर छोड़ देंगे, बाकी सबको मैं यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको एसिनी, और उसकी सेल्स को हम बोलेंगे एसिनर सेल्स. ओके, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये उसकी सेल्स है, ये हो जाएगी एसिनर सेल्स. ओके, ये एसिनर सेल्स. ये 99% पार्ट एक्सोक्राइन नेचर का होता है. एक्सोक्राइन मतलब पेंक्रियास का 99% पार्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरफ बिहेव करता है. एक्सोक्राइन का मतलब क्या हुआ, क्या करेगा ये, क्या करेगा, एक्सोक्राइन का मीनिंग क्या हुआ बेटा, क्या सीक्रेट करेगा, जूस, एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक जूस, डाइजेस्टिव जूस, एंजाइम जो है वो सीक्रेट आउट करेगा. ओके, ये 99% पार्ट एसिनी होगा, ठीक है, एसिनी, और इसकी सेल्स को हम बोलेंगे एसिनर सेल्स, सेल्स ऑफ एसिनी पार्ट ऑफ पेंक्रियास टर्म्ड एज एसिनर सेल्स. और एसिनर सेल्स एक्सोक्राइन सेल्स को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ये डाइजेस्टिव जूस, पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगी. ओके, पेंक्रियाटिक जूस एसिनर सेल्स रिलीज करेगी. पेंक्रियाटिक जूस में हम बोलेंगे बाइकार्बोनेट, एंजाइम्स, ओके, ये प्रेजेंट होते हैं. तो अगर आपको पूछा कि बाइकार्बोनेट कौन सी सेल सीक्रेट करेगी, तो एसिनर सेल सीक्रेट करेगी. अगर आपको पूछा कि एंजाइम्स कौन सीक्रेट करता है पेंक्रियास में, तो एसिनर सेल सीक्रेट करता है, ये आपको आंसर लेना. एक्सोक्राइन एंड इट सीक्रेट्स पेंक्रियाटिक जूस,
इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रहेंगे, ओके, जिनके बारे में हम लेटर पार्ट में तो इसमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सिल पेप्टाइड्स लाइक एंजाइम्स को हम आगे डाइजेशन ऑफ फूड उस पार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1% पार्ट बचा, रिमेनिंग 1% पार्ट ऑफ पेनक्रियाज कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ओके, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। कोई बताएगा आइलेट्स का मीनिंग, आइलेट्स क्या होती है जल्दी? आइलैंड देखा है बेटा आप लोगों ने? आइलैंड, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड नहीं देखा? आइलैंड ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी होगी ना आप लोगों ने 8th, 9th, 10th में, आइलैंड वगैरह नहीं पता? यस सर। क्या होता है आइलैंड? पानी के बीच में होता है जो कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। ओके गुड, तो दैट पार्ट ऑफ लैंड व्हिच इज कवर्ड बाय वाटर, ठीक है, पूरी तरह से कवर्ड रहेगा वाटर से, पूरे सभी जगह से वो वाटर से कवर्ड रहेगा, क्या हो रहा है? तो पूरी तरह से ऐसा लैंड जो चारों तरफ से वाटर से कवर्ड है उसको हम आइलैंड कहते हैं। अब ऐसा आइलैंड जो खुद कुछ पार्ट्स में टूटा हुआ हो, ठीक है, और सब जगह से वहां पर उसके आसपास छोटे छोटे टुकड़े हैं, मतलब इसके आइलैंड के, और ये भी थोड़ा सा पानी से एक दूसरे से अलग अलग, तो अब इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम टर्म देंगे आइलेट्स, ओके, इसको बोलते हैं आइलेट्स। तो आइलेट्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए फर्स्ट। अब यहां पर हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, तो लैंगरहंस नाम के साइंटिस्ट ने देखा था कि पूरा चारों तरफ से जो है वो सेल्स है एसिनिकी, और बीच में कुछ सेल्स वहां पर है जो एंडोक्राइन फंक्शन करती है, ठीक है, चारों तरफ से सेल्स है एसिनिकी, ये एसिनिकी सेल्स चारों तरफ से कवर करके रखा है, लेकिन एक बीच में छोटा सा पार्ट है जहां पर एसिनी सेल्स अब्सेंट है, और उसकी जगह पर वहां पर एंडोक्राइन सेल्स जो 5 types की है टोटल, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड ईटा, 5 type की है, बट आपको सिलेबस में केवल 2 ही पढ़ना है अभी, ठीक है, अल्फा एंड बीटा सेल्स, ये यहाँ पर 5 type की सेल्स है, इसी मैंने ब्लू में बना दी 1 type की, ठीक है, दूसरी यहाँ पर ब्लैक में बना रहा हूँ, ऐसे टोटल 5 type की है वहां पर, 5 type की सेल्स होती है, ओके, इनको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। आपको नहीं दिख रहा होगा इधर से, इसको इधर से लिखा होगा, ये आइलैंड्स ऑफ
लैंगरहंस. ओके, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस यहाँ पर इस टाइप से दिख रहा है. तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस यहाँ पर फाइव टाइप की सेल्स है जिनसे मिला हुआ यहाँ पर है. ये इसलिए फाइव डिफरेंट आइलेट्स लाइक वहां पर सेल्स प्रेजेंट है और उनके उनको चारों तरफ से कवर करके रखा है एसिनर सेल्स ने. देयरफॉर लैंगरहंस ने उनको आइलेट्स कहा. ओके, तो पेंक्रियास का 1% पार्ट आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहलाता है जिसमें फाइव टाइप की सेल्स होती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड थीटा टाइप की सेल्स होती है. लेकिन आप लोगों को केवल सिलेबस में दो ही टाइप की सेल्स पढ़ना है, अल्फा एंड बीटा. ओके, तो अल्फा सेल्स ग्लुकेगॉन हार्मोन रिलीज करती है और बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऑफ पेंक्रियास इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है. ओके, तो इंसुलिन ठीक है और ग्लुकेगॉन हार्मोन है इसलिए ये सेल हो गया, ये पार्ट हो गया एंडोक्राइन. इनके पास में कोई डक्ट नहीं होगी, इसके पास में डक्ट होगी तो एंडोक्राइन पार्ट और ये हार्मोन रिलीज करेगा. ओके, क्लियर है इतना? स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका. डन. तो दोनों टाइप के वहां पर सेल्स है, एक्सोक्राइन सेल्स भी है और एंडोक्राइन सेल्स भी है. देयरफॉर मिक्स ग्लैंड का है हमने इसको. लेकिन हम देख रहे हैं कि जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसके पास में कुछ हमको डक्ट दिख रही है बड़ी बड़ी. फर्स्ट मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, मेन और मेजर, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये जो हमने बड़ी बनाई है ये है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट. और इस मेन पेनक्रियाटिक डक्ट को हम कहते हैं डक्ट ऑफ वर्सन, डक्ट ऑफ वर्सन. ओके, दिस इज मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ वर्सन यहां पर जा रही है. लेकिन ब्लैक वाली डक्ट भी उसके पास में ब्रांच के फॉर्म में लेटरली वहां पर प्रेजेंट है जो लेटरल पार्ट से डाइजेस्टिव जूस लाएगी, लेटरल पार्ट से कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करके वापस किसमें दे देगी, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट को. ओके, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट को दे देगी. तो ये जो लेटरल डक्ट्स है ये एसेसरी डक्ट्स है, मेन नहीं है, मेजर नहीं है. तो एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ सेंटोरिन. डक्ट ऑफ सेंटोरिन, डक्ट ऑफ सेंटोरिन. तो ये जो डक्ट है ये है डक्ट ऑफ सेंटोरिन. ओके, ये एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है. ये डक्ट आगे जाकर के लीवर की जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट बाहर निकल रही है ये फिर एलिमेंट्री केनाल में अपना पेनक्रियाटिक जूस कैसे रिलीज करेगी. तो ये लीवर से आने वाली जो कॉमन बाइल डक्ट है, क्योंकि लीवर बाइल लेकर के आता है बाइल जूस, तो वो जो कॉमन बाइल डक्ट आती है उसके साथ में ये पेनक्रियाटिक डक्ट जुड़ जाती है. ओके, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ वर्सन ये जुड़ जाएगी उसके साथ. और फिर दोनों जुड़ने के बाद में हम उसको हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट ऐसा कहेंगे, जिसमें कि बाइल जूस भी लीवर से
और पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस भी दोनों आएगा। तो अभी हम उसको लीवर में पढ़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट जो बाहर निकल रही है ये लीवर से, क्योंकि पेंक्रियास इधर है ओके और लीवर यहाँ पर है, तो लीवर से डक्ट ऊपर से आ रही है और पेंक्रियास इधर से डक्ट दे रहा है। तो जब दोनों मिलेगी लीवर से इधर से बाइल जूस, लीवर से ये हो गई ब्लू वाली, रेड वाला मार्कर ये आपको पेंक्रियास की डक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब ये दोनों एक दूसरे में जुड़ेगी तो ये थर्ड वाली जो कॉमन डक्ट निकलेगी इसको हम बोलेंगे हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, और ये डक्ट फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगी ड्यूओडेनम वाले पार्ट। तो अभी ये डायरेक्टली ओपन नहीं होगी, ठीक है, ये लीवर से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट के साथ में जुड़ेगी, देन एक नई थर्ड वहां पर कॉमन डक्ट बनाएगी हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, एंड देन हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट जिसमें बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस दोनों आएगा साइमल्टेनियसली वो ओपन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम में, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड हो, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसको एलिमेंट्री केनाल में ओपन होना चाहिए। जैसे हमने सलाइवरी ग्लैंड कही थी तो सलाइवरी ग्लैंड माउथ में किसी न किसी वे में ओपन हो रही थी डक्ट की तरफ से। ओके, तो पेंक्रियाज में दो तरह की सेल्स हमने कहा कि आपको पढ़ना पड़ेगी हार्मोन्स के लिए, अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेंक्रियाज, ये सीक्रेट करती है ग्लूकेगॉन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन, और इस हार्मोन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ओके, ग्लूकेगॉन इज टर्म्ड एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, क्यों इसका रीजन हम बताएंगे अभी। नेक्स्ट सेकंड टाइप की सेल्स है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेंक्रियास, जितनी बार आप इसको पूरा प्रोनाउंस करेंगे उतना ज्यादा आपको वहां पर प्रॉपर ध्यान रहेगा कि कौन सी सेल से, पेंक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल बीटा सेल, तो मतलब वो लैंगरहैंस ने दिया है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब वो एंडोक्राइन पार्ट है, हार्मोन रिलीज करेगा। बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, और इंसुलिन हार्मोन हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है, इसलिए उसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन ये टर्म देते हैं। अब इनका मीनिंग क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों टर्म दिया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? हाँ सर। गुड। देखो अब हमारे पास में दो टर्म्स आए नहीं कि ग्लूकेगॉन हार्मोन को जो अल्फा सेल से सीक्रेट होता है उसको हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, एंड बीटा सेल्स से जो इंसुलिन रिलीज होता है उसको हम हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन टर्म देते हैं। तो व्हाई वी कॉल देम हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपरग्लाइसेमिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब क्या है और हाइपरग्लाइसेमिक का। अब आप मुझे बताओ हाइपोग्लाइसेमिक एंड हाइपरग्लाइसेमिक इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिया, मतलब ग्लाइसेमिया का मतलब होता है शुगर लेवल, और यूजुअली हम ये ब्लड में देखते हैं ओके कि ब्लड में कितना शुगर लेवल है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बनाया जाता है कि किसी फूड में कितना कार्बोहाइड्रेट है कितना शुगर है उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स ओके। लेकिन यूजुअली हम किसी लिविंग की बॉडी में चेक कर रहे, ह्यूमन बीइंग की
बॉडी में चेक कर रहे हैं तो उसका शुगर लेवल हमको शुगर उसकी डाइजेशन के बाद में ब्लड में अब्सॉर्ब होकर के मिलती है। ओके तो ब्लड में कितनी शुगर है हम वो चेक करते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल के बेसिस पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि हार्मोन भी जो रिलीज होने वाले हैं वो ब्लड में रिलीज होते हैं हमेशा। इसलिए यहाँ पर जो ग्लाइसेमिया की कंडीशन बोली गई है, हाइपरग्लाइसेमिक एंड हाइपोग्लाइसेमिक, वो ब्लड से रिलेटेड। तो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है कौन बताएगा? नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, चलो सबसे पहले ये बता दो कि ब्लड में जो शुगर है वो कौन सी शुगर है। ब्लड शुगर का मतलब क्या है? क्या ब्लड शुगर वही शुगर है जो हमारे घर के अंदर हम टी कॉफी बनाते समय जो है वो शुगर यूज करते हैं, क्रिस्टल शुगर के, कैन शुगर के, टेबल शुगर के क्रिस्टल यूज करते हैं? नहीं ना, कौन सी शुगर है? ब्लड शुगर मतलब क्या? इसका मतलब है ग्लूकोज। ब्लड में जो शुगर फ्लो होती रहती है वो ग्लूकोज होती है। ओके, ग्लूकोज ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो जब भी डॉक्टर ब्लड शुगर की बात करता है, किसी को डायबिटीज हो रहा है या फिर किसी को अभी अभी शुगर बढ़ रही है, तो डॉक्टर बोलता है आपकी शुगर बढ़ रही है। तो शुगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि शक्कर जो टेबल शुगर है, कैन शुगर है, वो बढ़ रही है, ग्लूकोज बढ़ रहा है। ओके, ग्लूकोज वो भी एक टाइप का शुगर है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है शुगर, और हम जनरली घर में हम टर्म यूज कर लेते हैं टेबल शुगर को, कैन शुगर को, शुगर बोल देते हैं सिंपली। कौन एंटर किया वेटिंग रूम में? कामाक्षा, ये क्लास में आने का टाइम है? कामाक्षा, कामाक्षा बेटा माइक ऑन करो। कामाक्षा आवाज आ रही है बेटा? कामाक्षा माइक ही कनेक्टेड नहीं है कामाक्षा का। प्राची बेटा आपका माइक बंद कर दीजिए। हाँ अब आया कामाक्षा का माइक विजिबल हुआ। कामाक्षा माइक ऑन करो बेटा। कामाक्षा ध्यान दो आप बेटा, जिसको भी बोला जाए वो जल्दी से क्विकली रिप्लाई दिया करो। आप लोग सब लोगों का टाइम वेस्ट होता है आपके कारण, और क्लास के टाइमिंग के आसपास में आ जाया करो बेटा। अभी क्लास के लास्ट मिनट पर आप लोग आ रहे हो। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल, मतलब कि ब्लड शुगर का मतलब है ग्लूकोज। ब्लड में कौन सी शुगर फ्लो होती है? ग्लूकोज। ये होता है 80 to 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ओके, तो ब्लड का डेसीलीटर, तो मतलब डेसीलीटर मतलब कौन बताएगा जल्दी बताओ? डेसीलीटर मतलब कितना? तो डेसी का मतलब होता है 1/10 part। ओके, आप डेसिमल लगाते जाते हो ना, किसी को 10 से डिवाइड करना है तो आप डेसिमल लगा सकते हैं उसमें के बाद। तो 1/10 डेसी का मतलब होता है 1/10 part। तो लीटर का 1/10 मतलब, लीटर मतलब 1000 ml, तो 1000 ml का 10 part मतलब 100 ml। तो 100 ml ब्लड में, डेसीलीटर ऑफ ब्लड मतलब 100 ml, तो 100 ml ब्लड में 80 to 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज अगर मिल रहा है, ओके, तो वो प्रीपेरेंडियल मतलब कि खाने के पहले फास्टिंग वाला शुगर लेते हैं ना, आपने देखा होगा ना, किसने देखा है कि कोई अगर लैब टेक्नीशियन जो है वो आए हैं और ब्लड का सैंपल ले रहे हैं, देखा होगा ना आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने। तो वो दो सैंपल लेते हैं यूजुअली, एक अर्ली मॉर्निंग में कुछ भी खाया ना हो तो उसको फास्टिंग शुगर बोलते हैं प्रीपेरेंडियल, और दूसरा
खाने के 1-1.5 घंटे के बाद में, वो पोस्ट पेरेंडियल आफ्टर मील देखा है? दो बार लेते हैं तो नहीं देखा किसी ने? देखा सर। गुड। ओके, तो ये फास्टिंग वाला होता है, मतलब फास्टिंग वाला इतना आना चाहिए। ओके, और इसके बीच में, और जो पोस्ट पेरेंडियल है खाने का, वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर 150 से नीचे आना चाहिए। ठीक है, वो 100 से 150 के बीच में आना चाहिए। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब एनी टाइम हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसमें इतना ग्लूकोज लेवल अगर है तो हम कहेंगे कि वो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है। लेकिन जैसे इसका लेवल कम या ज्यादा होगा तो हम हाइपर टर्म यूज करते हैं। तो हाइपर का मतलब होता है अबो द लेवल, ओके, और हाइपो का मतलब होता है बिलो द लेवल। इसीलिए जो हाइपरग्लाइसेमिया का मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, हाइपरग्लाइसेमिया इट मींस ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, नॉर्मल कितना है 80 to 100, अगर किसी का 150 हो गया, 160 हो गया, वो 200 हो गया, ठीक है, 250 हो गया, 400 हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया स्टार्टिंग में। और ऐसा हमारे इसमें डेली होता है, खाने के बाद में डेली हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटीज हो गया। ओके, एक्यूट एंड प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया कॉज डायबिटीज, एक्यूट एंड प्रोलॉन्ग मतलब लंबे टाइम तक। ऐसा अगर हर किसी में वापस से नॉर्मल हुई ना, जैसे हमें खाने के बाद में अगर ये बढ़ जाता है, हमें क्या होता है, अगर आपने लंच किया या डिनर किया तो उसके आधे घंटे बाद आप अगर टेस्ट करेंगे तो आप में ब्लड ग्लूकोज लेवल आधे घंटे बाद में अगर टेस्ट करेंगे तो ये 200-300 मिलेगा। लेकिन अगर आप 1.5 घंटे बाद टेस्ट करेंगे तो ये वापस ये नॉर्मल के आसपास आ जाएगा। 2 घंटे बाद टेस्ट करेंगे खाना खाने के तो नॉर्मल के आसपास आ जाएगा। लेकिन आधे घंटे में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इतना बढ़ गया था, तो जो हमने खाना खाया उसमें जितना भी ग्लूकोज था वो पहले ब्लड में जा रहा है, ओके, लार्ज अमाउंट में, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन तो इसको कम कौन करता है, तो इसको कम करता है इंसुलिन, जो हम पढ़ने वाले आगे, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर देता है वहां पर जितना बढ़ा है उसमें। तो जब भी ये नॉर्मल से बढ़ेगा तो इंसुलिन रिलीज होगा और इंसुलिन इसको बैक टू नॉर्मल करेगा। ठीक है, तो लेकिन कुछ पर्सन में इंसुलिन बराबर रिलीज नहीं हो पाता किसी रीजन से, और इसलिए उनमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ ही रहता है। और वो हमेशा अगर कभी भी टेस्ट किया जाए, वो अगर हमेशा ही बढ़ा हुआ आए और ज्यादा दिनों तक आए, प्रोलॉन्ग मतलब ज्यादा दिनों तक आए, तो हम उसको बोलेंगे डायबिटीज। एक्यूट एंड प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है, डेली हर किसी में हाइपरग्लाइसेमिया होता है खाने के आधे घंटे बाद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें डायबिटीज है। ओके, ऐसा नहीं बोलोगे अरे उसको खाने के बाद में डायबिटीज हो गई और 2 घंटे के बाद में डायबिटीज खत्म हो गई, ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, हाइपरग्लाइसेमिया टर्म यूज करेंगे, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, इंसुलिन आने पर वापस नॉर्मल हो गया, बैक टू नॉर्मल। लेकिन अगर वो कमी ना हो, कभी भी चेक करे खाने के 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद भी चेक करे और फिर 200, 300, 400, 150 ऐसा कुछ मिले, तो फिर वो डॉक्टर बोलेंगे कि फिर ये क्या है, आप बहुत दिनों से है और ये क्या है, इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलिटस। ओके, पूरा नाम लिख रहे हैं हम डायबिटीज मेलिटस, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस भी एक होता है जो हम एक्सक्रेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ओके, ये ध्यान रखना, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ गया तो हाइपरग्लाइसेमिया, लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग रहा, बहुत दिनों तक रहा, एक्यूट एंड प्रोलॉन्ग रहा, तो इट इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलिटस, है ना, शुगर की बीमारी ऐसा बोलते हैं डॉक्टर, तो डायबिटीज मेलिटस।
हाइपरग्लाइसिमिया। ओके, दूसरी टर्म थी हाइपोग्लाइसिमिया। अब क्लियर हो जाएगा क्या होगा हाइपोग्लाइसिमिया? यस, ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब अगर किसी पर्सन में ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया और उसमें आया 60, ठीक है, 60 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, 100 एमएल ब्लड में 60 मिलीग्राम ग्लूकोज है, तो अब ये नॉर्मल से कम हो गया, मतलब वो हाइपोग्लाइसिमिया, हाइपो मतलब बिलो द लेवल, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसिमिया। ओके, 60 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज मिल रहा है किसी में 100 एमएल ब्लड में, तो हाइपोग्लाइसिमिया। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसिमिया के कारण चक्कर आ सकते हैं, कन्वर्जेंस वगैरह हो सकते हैं, वो बेहोश हो सकता है कोई पर्सन अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो। तो हाइपोग्लाइसिमिक पर्सन, अगर किसी को पता है कि इसको हाइपोग्लाइसिमिया है, तो उसको अगर थोड़ी सी शुगर दे दी, तो शुगर में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों है, तो उसका ग्लूकोज लेवल जल्दी बढ़ जाता है हाइपोग्लाइसिमिया वाले में देना। ठीक है, तो बता दें कि किसी को हाइपरग्लाइसिमिया और उसको आपने शुगर दिया, तो आप उस तरह उसको पॉइजन जैसा हो जाएगा, पहले उसको शुगर ज्यादा है और आप ऊपर से शुगर दे रहे हो, उसको बाहर की जो टेबल शुगर दे रहे हो उसमें भी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, ग्लूकोज बढ़ जाएगा उसमें, तो हाइपोग्लाइसिमिक पर्सन को आप ग्लूकोज दे सकते हैं, या जो कैन शुगर है, टेबल शुगर है, उसकी क्रिस्टल खिला सकते हैं उसको, ताकि उसको ग्लूकोज मिल जाए। अब हमने कहा हार्मोन्स, तो अगर हमने खाना खाया, खाने के बाद में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा, उसको ग्लूकोज लेवल को कम करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। ओके, इंसुलिन विच सीक्रेट्स फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन रिलीजेस व्हेन, अभी रिलीज ही कब होता है, क्या 24/7 रिलीज होता है इंसुलिन? तो हम कहेंगे नहीं, जब भी ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में इससे ऊपर जाएगा, 120 हो गया, 150 हो गया, 180 हो गया, 200 हो गया, है ना, मतलब कुछ ना कुछ खाया है हमने, तो ये ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा हमेशा। तो इंसुलिन रिलीजेस व्हेन देयर इज हाइपरग्लाइसीमिया इन बॉडी। तो अगर ब्लड में हाइपरग्लाइसिमिया है, मतलब ब्लड का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से बढ़ गया है, तो फिर रिलीज होगा इंसुलिन, और ये क्या कॉज करेगा, एंड कॉजेज हाइपोग्लाइसिमिया, मतलब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करवाएगा, जो बढ़ा हुआ है उसको कम करवाएगा, और कितना कम करवाएगा, एंड कॉजेज हाइपोग्लाइसिमिया as a result blood glucose level back to normal, blood glucose level back to normal, so blood glucose level kya ho jayega, normal ho jayega ye insulin se, clear hai, screenshot le lo beta yahan tak, kisi ko koi doubt hai to puch lo। Done? Yes. Good. तो इंसुलिन का क्लियर है बेटा, कि इंसुलिन तब रिलीज होगा हमारी बॉडी में जब इससे ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल होने लगेगा, हमने कोई भी फूड खाया तब, तब ये ब्लड बढ़ेगा और तब इंसुलिन रिलीज होगा, और इंसुलिन अब हाइपोग्लाइसिमिया मतलब इसका लेवल कम करने लगेगा, और कब तक कम करेगा, नॉर्मल तक, जैसे नॉर्मल हुआ, ठीक है, तो हाइपरग्लाइसिमिया नहीं बचा वहां पर, नॉर्मल आ गया, तो इंसुलिन का रिलीज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन तभी रिलीज होता है जब हाइपरग्लाइसेमिया होता है, इससे ज्यादा लेवल होता है, इसके बराबर लेवल आ गया मतलब हाइपरग्लाइसेमिया खत्म हो गया बॉडी में से, और हाइपरग्लाइसेमिया खत्म तो अब ये रिलीज नहीं हो सकता इंसुलिन। ओके, इसी तरह से ग्लूकेगॉन का भी,
ग्लूकेगॉन क्या करेगा, तो जो ग्लूकेगॉन हार्मोन तब रिलीज होता है जब बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ग्लूकेगॉन रिलीजेस ओनली व्हेन देयर इज हाइपोग्लाइसीमिया इन बॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया मतलब कि ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 से नीचे जाने लगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अब ग्लूकेगॉन रिलीज होगा अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऑफ पैनक्रियास से। फिर ये क्या करता है, तो ये ग्लूकेगॉन एंड इट ब्रेक दी ग्लाइकोजन या इट कॉजेस ग्लाइकोजेनोलिसिस, इट कॉजेस ग्लाइकोजेनोलिसिस। ओके, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो ग्लाइकोजेनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजेनोलिसिस दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन व्हाट, इन ग्लूकोज। ओके, तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके वो ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब इंसुलिन ग्लूकोज जब ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको कहाँ भेजता है, तो सेल्स के पास में भेजता है एनर्जी बनाने के लिए। ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनती है एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन अगर सभी सेल्स एनर्जी बना रही है लेकिन उनके पास में फिर भी बहुत ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज है, तो वो ग्लूकोज इंसुलिन फिर अब लीवर और मसल सेल्स के पास में भेजता है। तो लीवर और मसल सेल्स के पास में क्यों भेजता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वाला जो ग्लूकोज है जो सेल्स यूज नहीं कर पा रही है उसको वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर रही है। तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है, मतलब मिनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर रहता है, फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज वाला ग्लाइकोजन, तो ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर एंड स्केलेटल मसल्स में, दो जगह पर। इसलिए ये जो ग्लूकेगॉन है जब भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो ये लीवर और स्केलेटल मसल्स के पास में जाएगा, मेनली ज्यादा ग्लूकोज लीवर के पास में रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर। तो ये ग्लूकेगॉन जाएगा लीवर और स्केलेटल मसल्स के पास, वहां पर ग्लाइकोजेनोलिसिस जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर्ड हुआ है उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा और वापस से ग्लूकोज को फ्री करेगा। अब ये ग्लूकोज जो फ्री हुआ है ये ब्लड में आएगा, इट कॉजेस ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड रिलीज दिस ग्लूकोज इनटू ब्लड। और ये ग्लूकोज जो ग्लाइकोजेनोलिसिस से जो ग्लूकोज बना उसको क्या करेगा, ब्लड में रिलीज करेगा। अब ब्लड में ग्लूकोज आ रहा है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा कि कम होगा बेटा, बढ़ेगा। हेंस कॉजेस हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, लेकिन पहले हाइपोग्लाइसीमिया है, बढ़ा करके कब तक करेगा, नॉर्मल तक। नॉर्मल हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन खत्म हो गई, नॉर्मल हो गया मतलब हाइपोग्लाइसीमिया नहीं बचा, और हाइपोग्लाइसीमिया नहीं बचा तो अब ग्लूकेगॉन रिलीज नहीं हो सकता फर्दर, तो वही पर आकर के रुक जाएगा। मतलब इंसुलिन या ग्लूकेगॉन तब तक वर्क करते जब तक कि नॉर्मल ना हो जाए ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसके ऊपर और नहीं करवा सकते। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सच में ग्लूकेगॉन रिलीज हुआ और उसने ब्लड का ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो आपने देखा कि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जस्ट अपोजिट फंक्शन करते हैं, तो ऐसे जस्ट अपोजिट फंक्शन करने वाले बायोमोलिक्यूल्स या फिर बायोलॉजिकल कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन
आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, मतलब जस्ट अपोजिट फंक्शन करने वाले। एक ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा हुआ है तो बढ़ा करके उसको कम करके नॉर्मल तक लाता है, एक ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो उसको बढ़ा करके नॉर्मल तक लाता है। ठीक है, एक कम करके नॉर्मल तक लाएगा इंसुलिन और एक बढ़ा करके नॉर्मल तक लाएगा। दोनों का फंक्शन नॉर्मल करना है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, लेकिन दोनों अलग अलग कंडीशन में रिलीज होते हैं, एक हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में, एक हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में। ओके, therefore इनको हम बोलते हैं कि दोनों जस्ट अपोजिट फंक्शन करते हैं। एक ग्लूकोज का लेवल कम करेगा इंसुलिन, नॉर्मल तक लाएगा, ग्लूकेगॉन ग्लूकोज का लेवल बढ़ा करके नॉर्मल तक लाएगा। ओके, क्लियर है बेटा? तो ये पेनक्रियास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, कल हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। Done? Yes. Okay, bye बेटा, कल मिलते हैं, take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, बेटा, bye.